बुद्ध राम सिंह है जी। कहना चाहोगे जी एन एच सैवन की खस्ता हालत है? सर यदा फुटफुट डूंगे टोए ने, सारे बच्चों जो कोई भी परिवार का आंदा उन्होंने बहुत दिक्कत आती है। जो कोई बच्चा साढ़े दुध लस्सी दे असी मोहल्ले च ही रहने जी, बहुत बच्चों भी दिक्कत आती है, स्कूल जाते हैं या होर जाते हैं, बच्चे बहुत परेशान होते हैं जी। तो हाँ जी परेशान, प्रशासन कोई भी ये बारे गौर नहीं कर रहा सर, भी असी प्रशासन तो मंग करते हैं भी इनू जल्द तो जल्द टोए भरे जाना, यदा पक्का काम किया जाए। जे प्रशासन ने एक अद्धी ट्राली पा जाता है, एक छोटी जी बार से इन्हों की पोल खोल दिंदा सर। हाँ जी एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होंगे ने सर, असी कई बार लोगों चक चक के भी हॉस्पिटल पहुँचाया, पर कोई भी ये वाल ध्यान नहीं दे रहा सर। कोई MLA बन जाए, मंत्री बन जाए, इस वाल कोई भी ध्यान नहीं करता, सब अपनी जेबा भरन से लगे हुए। हाँ जी हाँ सर, पक्का प्रोपर हल होना चाहिए है। इतने रात में लाइटा भी चलनी चाहिए ने, तो जड़े भी टूल प्लाजे वाले ने टूल टैक्स ले जाते हैं, कोई सहूलत है नहीं सर। राजवीर भानीगढ़ी की कहना चाहोगे जी हाईवे की इतनी खस्ता हालत है, जो फुटफुट डूबे खड्डे ने, ये बारे की कहना? ये तो बहुत बुरे हालात ने। एक तो जो मीह पै जाता गा, मीह पैन लगे तो मिट्टी की ट्राली सट्टे जाते हैं, जो मीह पैंता फिर कुरके आले दुआले बग जाती हैगी, ओडी खड्डे फिर हो जाते हैं, कोई पक्का इंतजाम ये करते नहीं है। हाँ हूँ देख लो किड्डे किड्डे डूंगे खड्डे ने, बहुत परेशानियों का सामना करना पैंता लोगों, यही कट ये तो बगैर होर कोई कट नहीं है मेन रोड से चढ़ने वास्ते। ठीक है, तो रात को हनेरा होंदा, मीह पै जाता, जो पानी खड़ा होंदा, लाइट कोई नहीं चलती टोल प्लाजे की। असं इन्ने महंगे महंगे टैक्स देने है, टोल प्लाजा के टैक्स कटवाने है, साढ़े तो डबल लिया जा रहा। जो पिछले साल 80 रुपए होंदा सी आने जाने का, वह डबल हो गया, पर फिर भी सड़क पर ना लाइट की सहूलत ना इन्हों खड्डों में भरया जा रहा। पता नहीं क्यों प्रशासन वाले टोल प्लाजा वाले बिल्कुल सुते पै रहे हैं, कोई गौर नहीं कर रहा, कोई गौर नहीं कर रहा। हाँ कोई गौर नहीं कर रहा, जदों भी मीह आता गा वो सामने देख लो किड्डा बड़ा खड्डा। हाँ जी हाँ एक्सीडेंट होंगे ने गे, हाल ही तकरीबन होंद ही रेंगे ने, कोई ना कोई गिरद ही रहा, क्योंकि हनेरे दे विच लाइटां बिल्कुल नहीं जगदियां, हनेरे दे विच कोई ना कोई खड्डे दे विच गिरदा जरूर आ, चाहे जदों मर्जी गिरे। साडी मंग इही आ भी प्रशासन इहते गौर करे, टोल प्लाजा वाले इहते गौर करन, जिन्हां नूं असीं टैक्स दे रहे आ सड़क दा, इहदे खड्डे भरे जाण ते लोकां नूं परेशानी तों बचाया जावे। जसपाल सिंह है जी मेरा नाम। कहना चाहोगे तुसीं जिहड़ा इह NH7 दी खस्ता हालत है? कहना इही है जी, इह कोई अज दा नहीं हैगा जी, ये हुण वालियां वोटां तो पहलां दे टोए नेगे, ना तो पहलां वाली सरकार ने कोई गौर की आ, ना हुण वाली सरकार कोई गौर कर रही है। इन्हां दा जल्दी तो जल्दी हल किया जाए तो लोगों का नुकसान होने तो बचाया जाए। जो बारिश हो जाती है पानी इन्हां च भर जाता है, पानी जी गोड्यां गोड्यां तक आ जाता जी पानी, जो इहदा लंघना मुश्किल हो जाता। एक्सीडेंट भी हुंदे ने? हाँ जी हाँ। कोई हाल ही च होया होवे तुहाडी? हाल ही च होया जी, उत्थे ओह देखो जी खड्डा, उत्थे दो मोटरसाइकिल सवार डिगे ने जी, उन्होंने सट्टा भी काफ़ी लगियां, तो उन्होंने चाह के गड्डी लै गए, उस बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई हैगी जी। मंग करते जी असं मार्केट कमेटी से जाने भी कोई कार्रवाई होंगी नहीं, ये बारे मंग साड़ी ये है भी ये जल्दी तो जल्दी ठीक कराई जाए।